सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजानी है, इसलिए तो बजा है बैंड, ये तो टिकटॉक की पहचान है। इसलिए तो मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक को बैन कर देते हैं, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट भी कहा था कि बैन कर दो, लेकिन सुना ही नहीं उन लोगों ने। अब तो टिकटॉक के बैंड बजे हुए, जहां पर आप देख सकते हो कि जो टिकटॉक का भी रेटिंग चल रहा करंट 4.5 से हो गया 4.32, अब तो 1 पर आ गया, लगभग 1.3 रेटिंग आ गया गाइस, 2 बिलियन डाउनलोड से अब 1 बिलियन डाउनलोड पे आ गया है। तो सोच सकते हो टिकटॉक के कितने बैंड बजी हुई है। अभी टिकटॉक के कैंसर की तरह चूसते देखने के बाद ऐसे चुल मस्ती है कि हम तो बड़े क्रिएटर बन जाएंगे, अब हम तो बड़े पॉपुलर बन जाएंगे, हम एक्ट्रेस बन जाएंगे, सलमान खान ये तो कोई है यार, हम लोग के कुछ है कोई नहीं है। आई एम एक्ट्रेस, टिकटॉक पर वीडियो बनाती हूँ तो अच्छा जी, फिर मैं आर्मी में हूँ क्योंकि पबजी खेलता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 3 जुलाई 2018 को टिकटॉक को इंडोनेशिया में से बैन कर दिया गया था। तो टिकटॉक की रानी है तुम्हें फेसबुक का राजा, मिलना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा के यूट्यूब पे आ जा, मजा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आप सबके लिए बहुत ही कमाल का एक ब्लॉग चैनल बनाया है, जहाँ पर जाके वहाँ पर भी सब्सक्राइबर और यूट्यूब पर आकर मिल मुझसे, मजा आने वाला है भैया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सब्सक्राइब करो मेरे ब्लॉग चैनल को। कैसा लगा मेरा एंट्री? और निकल क्या था, मोस्ट फॉलोइड पर्सन ऑन टिकटॉक लॉरेन ग्रे 38.9 मिलियन, 38 मिलियन इनका फॉलोअर्स है, जो बहुत बड़ा है टिकटॉक के मारे में। लेकिन अब इंडिया में इनका थोड़ा सा बैलेंस ऐसे ऐसे हो रहा है, चले न चले, चले न चले। टिकटॉक में सबसे खास फीचर आप सबको क्या लगता है कि लाइक बटन बस और कुछ नहीं है टिकटॉक में, क्योंकि डिसलाइक का नाम तो है ही नहीं, क्योंकि डिसलाइक मिलेगा तो सब क्रिएटर को पता चल जाएगा कि टिकटॉक पे कैसा कंटेंट बनता है, क्रिंज बनता है या ऐसा। मैं भी कुछ टिकटॉक के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन मैं साफ हो गया, मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया है, यानी हटा दिया है। यहाँ पे एक मीम्स निकल के सामने आया कि जो टिकटॉक है ना, बीबी वाइज को जानते हो, बीबी वाइज ने यहाँ पे टिकटॉक पे कहा कि बेटी में चाहिए था, बेटी हमको मिल गया, देखो यार टिकटॉक की बेटी, जैसे कि कैलविन हंटर बताता है टिकटॉक की बेटी। हाँ आजकल टिकटॉक वालों के इतने बैंड बजे कि साले सब दुबक के बैठ गए यहाँ पर, सभी क्रिएटर सभी कम्युनिटी, आजकल इंडिया के हर पीपल चाहता है कि टिकटॉक इंडिया में बैंड हो, क्योंकि ये चाइनीज वेबसाइट है, इसका नाम है बाई डांस, इसको बैन करना चाहिए इंडिया में, ताकि हमारा डेटा वहां ना जा सके, हमारा डेटा यहीं रह जाए। 3 अप्रैल 2019 को यहाँ पर टिकटॉक को मद्रास के हाई कोर्ट के अंदर लाया गया था बैन करने के लिए, अपील गई था वहां पर बैन किया, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि पोर्नोग्राफी एडल्ट कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को न्यूडिटी दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल क्या कंटेंट चल रहा है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को मोबाइल में पबजी और टिकटॉक नहीं है वो किसी महान इंसान से कम नहीं है, क्योंकि हम उनकी महान इंसान की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के वही IAS IPS SDM एंड PM बनने वाले हैं। टिकटॉक वाले खुद को बॉलीवुड के स्टार समझते हैं और पबजी वाले खुद को आर्मी के जवान समझते हैं, तो भैया ये दिक्कत है आजकल। सो फैक्ट हमारा यह है कि यहाँ पर टिकटॉक का आज का जो रेटिंग है 1.3 हो गया है, जो घटकर 4.5 से जो पहले 2+ बिलियन डाउनलोड था वो घट के अब हो गया 1+ बिलियन डाउनलोड, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब का स्टार अभी कोई भी नहीं कमा हुआ है, 4.5 का रेटिंग बहुत अच्छा खासा चल रहा है, 5+ बिलियन डाउनलोड यूट्यूब के है, और गाय बहुत ही मजेदार शानदार चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा खासा आ रहा है इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, कि टिकटॉक कोई भी नहीं चाहता गाय, टिकटॉक सबको देखता है लेकिन चाहता कोई नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज है और हम लोग वो चाइना से बहुत ज्यादा प्यार, इसलिए तो हम लोग टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं, है कि नहीं। सो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जोरों से लाठी डंडे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाल के बटन को ग्रे कर देना है, ग्रे के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, और इस तरह के मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट वीडियो लाता रहूंगा, तब तक स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।